गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से किडनीज ह्यूमन ब्लड को फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभार ये किडनीज डैमेज हो जाती हैं और अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स मेडिसिंस और डाइट कंट्रोल के द्वारा किडनीज को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार किडनीज फेल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ किया जाता है। दरअसल आर्टिफिशियल किडनी एक ह्यूमन मेड मशीन है, जिसमें पेशेंट के ब्लड को सप्लाई किया जाता है और उसे फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अ मशीन कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस और डायलिसिस। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करने को या तो हीमोडायलिसिस कहते हैं या केवल डायलिसिस कहते हैं। ओके, नाउ आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ डायलिसिस मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल किडनी में एक डायलिसिस मेम्ब्रेन होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और सिंथेटिक पॉलीमर प्लास्टिक सस्पेंडेड इन डायलिसिस फ्लूइड। देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो डायलिसिस की मेम्ब्रेन होती थी वो सेल्यूलोज की बनती थी, जो कि कॉटन फाइबर को कंप्रेस करके उससे मेम्ब्रेन्स बनाई जाती थी। लेकिन आजकल सिंथेटिक पॉलीमर प्लास्टिक की मेम्ब्रेन्स बनती हैं, जिनका परफॉर्मेंस इन सेलुलोज बेस्ड मेम्ब्रेन्स से ज़्यादा बेटर है, और इन पॉलीमर प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स को रीयूज भी किया जा सकता है। ओके, ये देखें स्टूडेंट्स, पेशेंट की बॉडी में एक आर्टरी से ब्लड को निकाल करके एक पंप के थ्रू ब्लड को किडनी में सप्लाई किया जाता है। इस आर्टिफिशियल किडनी में ये देखें, ये जो पतले ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं ये फिल्टर मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं। ओके, और इन ट्यूब्स में पेशेंट का ब्लड फ्लो होता है, और इन मेम्ब्रेन्स के चारों तरफ, इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस हैं, वहाँ डायलाइजिंग सॉल्यूशन सप्लाई करते हैं। और जब तक, जितनी देर 3-4 घंटे जितनी देर ये प्रोसेस चलता है, तब तक ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन इन ट्यूब्स के चारों तरफ रन करता रहता है। ओके, और दूसरी साइड से यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन बाहर आता है, और इसी डायलाइजिंग सॉल्यूशन में सारे वेस्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह सब कलेक्ट होते हैं। ओके, हाय स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि डायलिसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। ये देखें, ये फिल्टर मेम्ब्रेन है जो कि एक ट्यूब के फॉर्म में है, और इस ट्यूब के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड में जो मेन कैरियर होता है मटेरियल्स का, वो है ब्लड प्लाज्मा। और इस ब्लड प्लाज्मा में अलॉन्ग विथ यूजफुल मटेरियल्स सच एज ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स एंड ऑल, कुछ वेस्ट भी एक साथ चल रहे होते हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं, ये इन वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और इन फिल्टर मेम्ब्रेन्स के बाहर जो डायलिसिस फ्लूइड सर्कुलेट किया जाता है, उस डायलिसिस फ्लूइड का कंपोजिशन ऑलमोस्ट ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है। दिस डायलिसिस फ्लूइड इज वेरी मच सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, बट इट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो एक चीज़ समझ लें स्टूडेंट्स, कि अंदर जो ब्लड चल रहा है उसमें ब्लड प्लाज्मा में यूजफुल मटेरियल्स के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी चल रहे हैं, जबकि जो मेम्ब्रेन के बाहर डायलिसिस फ्लूइड सप्लाई किया जा रहा है, उस डायलिसिस फ्लूइड का कंपोजिशन ऑलमोस्ट ब्लड प्लाज्मा की तरह है। लेकिन फ़र्क यह है कि इस डायलिसिस फ्लूइड में
नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है. ओके, सो नाइट्रोजन वेस्ट का हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है और यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़ीरो, इट इज़ ज़ीरो. ओके, सो व्हेन द पेशेंट्स ब्लड पासेस थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द मेम्ब्रेन, वेस्ट पास आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, ये डिफ्यूजन फिर से शब्द आपके सामने आ गया है. आप जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, जैसा कि आप समझ सकते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, जबकि बाहर डायलिसिस फ्लूइड में शुरू में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं. ओके, तो जब ब्लड अंदर फ्लो होता है हाई प्रेशर में, क्योंकि उसे पंप किया जा रहा है, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं, मेम्ब्रेन के में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, उन पोर्स के थ्रू ये वेस्ट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिफ्यूज़ होने लगते हैं, और जैसे जैसे फ्लो करके ब्लड आगे बढ़ता जाता है तो उसमें से ये वेस्ट्स बाहर डायलिसिस सॉल्यूशन में निकलते चले जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिकली इसी प्रोसेस द्वारा ब्लड फिल्टर होता रहता है. ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक इन टू द पेशेंट्स वीन. जो प्यूरिफाइड ब्लड दूसरी साइड से निकलता है उसे वापस पेशेंट के वीन में सप्लाई किया जाता है. अभी आपने देखा कि ब्लड को निकाला जाता है आर्टरी से, लेकिन उसे वापस पेशेंट के वीन में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वीन में ब्लड प्रेशर काफ़ी लो होता है. ओके, सो इजीली ब्लड वीन में चला जाएगा. दस द मशीन फिल्टर्स द ब्लड वेरी मच लाइक द ओरिजिनल किडनी. ओके, ओरिजिनल किडनी में आपने देखा था कि स्टूडेंट्स, एक बार आपको याद दिला दें कि ओरिजिनल किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें इस टाइप के जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, याद करें आप लोगों ने स्टडी किया था कि इन्हें कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होता है ब्लड कैपिलरीज में, इन ब्लड कैपिलरीज को आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलस कहते हैं, और अंदर प्रेशर क्रिएट करके इन ग्लोमेरुलस से ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होकर के बाहर स्पेस में आता है. ओके, तो इसी चीज़ को एक तरह से यहाँ पर इस प्रोसेस को किया जा रहा है. मेम्ब्रेन में चलने वाले ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन में है. ओके, और जिस तरह से कैपिलरीज में यहाँ माइन्यूट पोर्स होते हैं, बारीक पोर्स होते हैं, उसी तरह के बारीक पोर्स, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पोर्स इस फिल्टर मेम्ब्रेन में भी हैं, और यहाँ से डिफ्यूज़ होकर के निकलने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वो बाहर चलने वाले डायलिसिस सॉल्यूशन में निकलते चले जाते हैं. ओके, और ब्लड प्योरीफाई होता चला जाता है. लेकिन एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि किडनी में, नेफ्रॉन्स में आगे जो ट्यूबुल्स में रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर पाती. ओके, सो देर इज़ नो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. नाउ इट टेक्स नियरली 3 to 4 hours टू कम्प्लीट द एंटायर प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस को लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं. एक सिटिंग में लगभग 3-4 घंटे डायलिसिस चलता है. इस प्रकार से ये डॉक्टर तय करते हैं कि पेशेंट को हफ्ते में या महीने में कितनी बार आना है. ओके, अब आइए स्टूडेंट्स एक अन्य टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स या सेल्स के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्लांट्स में भी एक्युमुलेट होते हैं. लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एनिमल्स में चूँकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस या जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनकी स्पीड या उनका रेट ज़्यादा होता है, इसलिए एनिमल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जबकि प्लांट्स में चूँकि
मेटाबॉलिक रिएक्शंस काफ़ी स्लो रेट पे चलते हैं, इसलिए इनमें मेटाबॉलिक वेस्ट का जनरेशन भी काफ़ी कम होता है। ओके, ये स्टूडेंट्स एक फंक्शनल डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। आपने छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और अन्य कई चीज़ें आपने देखी होंगी जो एनिमल सेल से डिफरेंट हैं, तो वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। लेकिन एक बेसिक फंक्शनल डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल्स में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो काफ़ी स्लो होती हैं, इसलिए वेस्ट भी बहुत कम जनरेट होते हैं। ओके, लेकिन जो भी जनरेट होते हैं उन्हें किस प्रकार से प्लांट्स डील करते हैं उन वेस्ट से, आइए देखते हैं। ओके, तो प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिस प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, उस प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता। ओके, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार बोर्ड में ये चीज़ पूछ ली जाती है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। अब देखें, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है, और एक तरह से इसे हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का वेस्ट मान सकते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ आइदर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। तो प्लांट में चलने वाले, चूँकि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन भी चलता है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन को या तो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया जाता है, या फिर यदि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तो उससे इट इज़ रिलीज्ड आउट इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा। ओके, तो जो भी रेस्पिरेशन में यूज़ होने से जो एक्स्ट्रा बच जाती है ऑक्सीजन, उसे फिर प्लांट स्टोमेटा के थ्रू बाहर एयर में रिलीज़ कर देता है। ओके, नेक्स्ट एक्सेस वाटर, जो भी या तो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर है, देखें रूट से जो एब्जॉर्ब होता है वाटर, वो कुछ अमाउंट में फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, प्लांट में कुछ प्रोसेसेस में यूज़ होता है, लेकिन जो एक्सेस वाटर है इट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ओके, बेसिकली लीव्स में से ट्रांसपिरेशन होता है, साथ ही साथ प्लांट के दूसरे पार्ट्स में से भी थोड़ा बहुत वाटर ट्रांसपायर होता है। ओके, इवन स्टेम्स में जो छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने लीफ में जो पोर्स पढ़े हैं वो हैं स्टोमेटा, उसी तरह से स्टेम्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं, LENTICELS। ओके, तो थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन दूसरे पार्ट्स से भी होता है, लेकिन बेसिकली जो वाटर का जो लॉस होता है वो लीव्स से होता है। ओके, थर्ड सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन ओल्डर लीव्स। जो पुरानी लीव्स हो जाती हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो उन लीव्स में प्लांट्स जो हैं कुछ वेस्ट को स्टोर कर देते हैं, और फाइनली दीज लीव्स दे डिटैच एंड फॉल ऑफ। और जब ये लीव्स लीफ फॉल के मौसम में, या जिसे पतझड़ का मौसम कहते हैं, उस समय जब ये लीव्स टूट करके गिरते हैं, तो उसके साथ साथ वेस्ट भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओल्डर जाइलम, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जाइलम में बेसिकली ये कंडक्टिंग टिश्यू है, इसमें वाटर और मिनरल्स रूट से लीव्स तक कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो जाइलम पुरानी पड़ जाती है वो अपनी कंडक्टिंग जो कैपेसिटी है वो खो देती है, पुरानी जो जाइलम हो जाती है, क्योंकि हर हर वर्ष जाइलम रिप्लेस होती चली जाती है थ्रू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। आपने 9th में पढ़ा है कि प्लांट में कैम्बियम होती है, वेस्कुलर कैम्बियम, और उस वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से हर साल नई जाइलम जनरेट होती है, तो जो पुरानी जाइलम हो जाती है दैट हैज़ लॉस्ट द कैपेसिटी टू कंडक्ट वाटर, जिसमें अब वाटर को कंडक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो प्लांट उसे किस तरह से यूज़ करता है, तो दिस ओल्ड जाइलम इज़ यूज्ड टू स्टोर वेस्ट्स सच एज रेजिन्स एंड गम्स। ओके, मैनी प्लांट वेस्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स।
प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, आपने पढ़ा है कि वैक्यूल्स की साइज़ प्लांट्स में काफ़ी बड़ी होती है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है बेसिक। तो मैनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। एंड द लास्ट, प्लांट रूट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट इन द सॉइल। तो देखें स्टूडेंट्स, रूट्स केवल एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि एक तरह से एक्सक्रीट करने का भी काम करती हैं। ओके, सो प्लांट रूट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट इन टू द सॉइल। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल किडनी, जिसमें कि डायलिसिस का प्रोसेस स्टडी किया, और इस टॉपिक में हमने देखा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।